प्रेज द लॉर्ड, प्रभु का धन्यवाद फिर से एक बार कि आप और मैं इस बाइबल स्टडी में जुड़े हैं, और आप सबका स्वागत है आज इस बाइबल स्टडी में। और प्रभु का धन्यवाद कि जो आप और मैं परमेश्वर ने अभी तक आपको मुझे संभाल के रखा, उसके लिए धन्यवाद। और जब हम बाइबल स्टडी को देख रहे हैं तो आइए हम वचनों प्रार्थना से शुरुआत करें, उसके बाद वचनों को हम देखेंगे। आइए प्रार्थना करें। खुदा बाप, हम आपका धन्यवाद करते इस समय के लिए, आज का दिन आपने देखने दिया प्रभु जी, और उसके लिए हम शुक्र अदा करते हैं आपका। और जब हम आपके वचनों को देखते हैं पिता, हमारे आत्मिक आँखों को, मनों को, विचारों को खोल दें खुदा। पवित्र आत्मा, अभी इसी समय हमारा पूरी तरह से जीवन आपके हाथों में हम सौंपते हैं प्रभु जी, और आप हमारा नियंत्रण कीजिए, इसलिए पिता कि आपके वचनों को हम समझ सके खुदा। आपके वचनों को सुनकर समझकर उस राह पे चलने के लिए पवित्र आत्मा हमें आपका अनुग्रह देना। सब महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, अभी तक हमने देखा कि यीशु मसीह के आने से पहले कौन कौन सी घटना इस पृथ्वी पर घटित होगी, और उसके बाद हम देख रहे हैं जब यीशु मसीह कलीसिया को उठाकर बादलों पर लेकर चले जाएंगे, उसके बाद में इस दुनिया में क्या क्या घटनाएं घटित होगी, इस बात को लेकर हम ये बाइबल स्टडी में हम सीख रहे हैं। अभी तक हम प्रकाशित वाक्य किताब में आ चुके हैं, और अभी तक हमने प्रकाशित वाक्य का 14 अध्याय और 12 वचन तक हम आ पहुंचे हैं, और आज फिर से एक बार हम 12 वचन देखने जा रहे हैं। और प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय और इसका 12 वचन, और पवित्र लोगों का धीरज इसी में है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु पर विश्वास रखते हैं। यहाँ पर हमने धीरज के विषय में पिछले अध्यायों में हमने देखा है, लेकिन आज थोड़ा सा फिर से एक बार हम आगे जाएंगे। और ये जो घटनाएं हैं, ये घटनाएं जो हैं, ये महाक्लेश के बीच की घटनाएं यहाँ पर हमें दिखाई देती है, जहाँ पर अनेक लोग यीशु के लिए मरने के लिए तैयार होंगे। और हमें मालूम है कि ये जो 7 साल का समय मसीह विरोधी का, उस समय 3.5 साल का 2 विभाग उसके अंदर होंगे। और ये जो जो यहाँ पे जो घटनाएं हो रही हैं प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय के 12 वचनों के अनुसार, ये और 14 अध्याय में ये बीच की घटनाएं हैं। और यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं अपने जीवन को यीशु मसीह में अपने जीवन को मरने के लिए भी वहां पर देंगे, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। इस बहुत सी कीमत वहां पर चुकानी पड़ेगी। हमने पिछले अध्याय में भी देखा है कि कितने कठिन परिस्थितियों से, कितने कठिन सताव से उन लोगों को जाना पड़ेगा जो पीछे छूट गए। फिर भी वहां में हमें ऐसा दिखाई देते हैं इन वचनों में कि वहां पर भी बहुत सारे लोग जो होंगे वो विश्वास में बने रहेंगे, और विश्वास करते हुए परमेश्वर की आज्ञाओं में वो बने रहेंगे, और इतना नहीं, वो यीशु पर विश्वास करते हुए अपने जीवन में वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन उनके लिए उस समय में एक बड़ा मूल्य उनको चुकाना पड़ेगा, उनको महाक्लेश से गुजरना पड़ेगा, और एक बहुत बड़ी कीमत उनको अदा करनी पड़ेगी। लेकिन उस वक्त भी बहुत से लोग जो हैं वो सताओं में भी, कठिन परिस्थितियों में भी यीशु को अपने जीवन में लिए हुए यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। वो पवित्र बने हुए हैं, अपने जीवन को उन्होंने संसार से अलग किया हुआ यहाँ पर दिखाई देता है, और उन्हें पता था कि उन्हें अपने प्राण तक की कीमत अदा करनी पड़ेगी। इसलिए धीरज इसी में है, ऐसा वहां पर लिखा है। और इसी वचन को प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय और 10 वचन के अंदर भी इसी वचन को यहाँ पर हमें देखने मिलता है। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय और 10 वचन में, जिसको कैद में पढ़ना है वह कैद में पड़ेगा, जो तलवार से मारेगा अवश्य है कि वह तलवार से मारा जाएगा। पवित्र लोगों का धीरज और विश्वास इसी में है। इतनी कठिन परिस्थिति गुजरना पड़ेगा उस समय कि उनको शायद कैद में भी डाल दे, और वो कैद में पड़े पड़े अपनी अपनी जान को वो दे दे। बहुत सारे लोग जो होंगे तलवार से वो मारे जाएंगे, और यहाँ पर लिखा है पवित्र लोगों के धीरज और विश्वास इसी में है। और यही वचन फिर से एक बार प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय और 12 वचन में आया है। हमने धीरज के विषय में पिछले अध्याय में हमने देखा, और आज हम देखेंगे यहाँ पर तीन बातें जो लिखी गई है। पहला वो है धीरज, उसके बाद में आज्ञाओं को मानना, और तीसरी बात जो है यीशु पर विश्वास रखना। ये बहुत महत्वपूर्ण की बात यहाँ पर बताई गई है। इसलिए महाक्लेश का जो बीच का समय है, वो फिर से एक बार मैं कहूंगा बड़ा कठिन समय होगा,
जो कभी लोगों ने सोचा नहीं है, जिसका कभी विचार किया नहीं है, ऐसी बातें वहां उस समय घटित होगी। लोगों को अपनी जान बचाना मुश्किल हो जाएगा, अपने प्राणों को बचाना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन वहां पे कुछ लोग होंगे, तब भी होंगे, जो अपनी जान तक गंवाने के लिए तैयार होंगे, लेकिन यीशु मसीह की आज्ञाओं पर और यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखकर अपने जीवन में वो अपने जीवन को व्यतीत करते हुए यहाँ पर दिखाई देता है। दूसरी बात जो है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते रहेंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं को अपने जीवन में वो लेकर चलेंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं को सबसे पहले अपने जीवन में वो रखेंगे। इसलिए आज भी जब परमेश्वर की आज्ञाएं सबसे महत्वपूर्ण बात है, परमेश्वर की आज्ञाओं को पालना ये सबसे बड़ा महत्व की बात आज आपके और मेरे जीवन में भी होना है। परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है पूरे हृदय के साथ में और पूरे प्राण के साथ में, पूरे मन के साथ में। आपको और मुझे जो है परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है। क्यों मानना है? क्योंकि परमेश्वर की आज्ञाएं हैं, ये परमेश्वर की आज्ञा हमें दी गई है। इसलिए व्यवस्था वितरण 26 अध्याय और 16 वचन, व्यवस्था वितरण 26 अध्याय और 16 वचन में इस प्रकार लिखा है, आज के दिन तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको इन्हीं विधियों और नियमों को मनाने की आज्ञा देता है, इसलिए अपने सारे मन और अपने सारे प्राण से इनके मानने में चौकसी रखना। यहाँ पर लिखा है मानने में चौकसी रखना, मतलब सावधान रहना। जो परमेश्वर ने आज्ञा को दी है उसको बड़ी सावधानी के साथ में आपको और मुझे मानना पड़ेगा। आज्ञा मानना सबसे महत्वपूर्ण बात हमारे जीवन में होनी चाहिए। अगर ये महाक्लेश के दिन में वो लोग भी आज्ञाओं को इतना महत्व देते हैं, तो आज आपको और मुझे कितना महत्व देना पड़ेगा। आप और मैं पीछे ना छूट जाए, आप और मैं पीछे ना रह जाए। इसलिए आज आपके और मेरे जीवन में जो है, जो परमेश्वर ने आपको मुझे आज्ञाएं दी हैं, उसको मानना सबसे प्रमुख काम आपके और मेरे जीवन में होना चाहिए। इसलिए जब जब व्यवस्था वितरण 32 अध्याय और जब 40 वचन में हम पढ़ते हैं, तो इसी बात को लेकर मूसा यहाँ पर अंतिम निर्देश इजराइलियों को देता है। वो क्या निर्देश है आज्ञा पालने के विषय में, वो हम देखते हैं। व्यवस्था वितरण 32 अध्याय 40 और 47 वचन, तब उसने उनसे कहा, जितनी बातें मैं आज तुमसे चिताकर कहता हूँ, उन सब पर अपना अपना मन लगाओ और उनके अर्थात इस व्यवस्था की सारी बातों को मानने में चौकसी करने की आज्ञा अपने बच्चों को दो, क्योंकि वह तुम्हारे लिए व्यर्थ काम नहीं परंतु तुम्हारा जीवन ही है, और ऐसा करने से उस देश में तुम्हारी आयु के दिन बहुत होंगे जिसके अधिकारी होने को तुम यरदान पार जा रहे हो। यहाँ पर जो लिखा है आज्ञा पालना ये व्यर्थ नहीं है, आज्ञा पालना ये जीवन है। इस वचन में यहाँ पर दिखाया गया है जीवन है। जीवन का मतलब है किसी भी प्रकार की मृत्यु नहीं है वहां पर, किसी प्रकार का निर्जीवपना वहां पर नहीं है। तो अगर आज्ञाओं को आप और मानेंगे, तो परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में आप और मैं जीवन को पालेंगे, जीवन में बनकर चलेंगे। जो मृत अवस्था भी है उस वो हमारे जीवन में वो जीवित होकर हमारे हमारे जीवन को आगे लेकर जाएगी। इसलिए आज्ञा को पालना सबसे पहला कर्तव्य ये मनुष्य का होना है। सबसे पहला कर्तव्य जो है ये मनुष्य का होना है कि परमेश्वर की आज्ञाओं को वो पाले, क्योंकि आज्ञाओं को मानना ये सबसे मनुष्य का एक बड़ा कर्तव्य होना चाहिए। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं इस जीवन के अंदर परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं पालते। सुनना पसंद है, कानों को अच्छा लगना पसंद है, लेकिन जब मानने की बारी आती है तो बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं वो पीछे हट जाते हैं। इसलिए आज परमेश्वर का वचन जो हमारे जीवन के अंदर है वो इस बात को ठहराता है कि जितने भी परमेश्वर के वचन हमारे जीवन में है, जितने भी परमेश्वर के वचन है, जितने भी प्रतिज्ञाएं हैं, आपको और मुझे उसको सुनकर अपने जीवन में उसको ग्रहण कर उसको मानना पड़ेगा। ये बात परमेश्वर ने आपको और मुझे चेताने के लिए यहाँ पर लिखी गई है। चौकसी करने का मतलब है सावधान रहना है हर एक आज्ञा को मानने के लिए। इसलिए यहोशू इसका पहला अध्याय और 8 वचन में भी इसी को लेकर परमेश्वर बात करता है। यहोशू पहला अध्याय और 8 वचन, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, तेरे मन से कभी न उतरने पाए, तेरे ध्यान से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिया रहना, इसलिए कि जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार
करने की तू चौकसी कर। यहाँ पर यहोशुआ को लिखता है कि जो तेरी पुस्तक है, जो परमेश्वर के जो बाइबल है, जो पवित्र शास्त्र है, उसको अपने चित्त से कभी मत उतारना, अपने मन से कभी ना, बाकी सब मन से बातें उतर गई चलेगा, बाकी सब बातें भूल गए चलेगा, लेकिन परमेश्वर के वचन को अपने चित्त में बिठाने की आज्ञा वो करता है और दिन रात ध्यान देने के लिए वो कहता है। और वो कहता है कि जो भी इसमें लिखा है उसके अनुसार करने की चौकसी, मतलब सावधान करना। क्योंकि क्यों करना इस बात को, अपने चित्त में क्यों लगाना है परमेश्वर के वचन को, दिन रात क्यों ध्यान देना है उसके वचन पर, दिन रात क्यों सावधान रहना है परमेश्वर के वचन में बने रहने के लिए। तो ऐसा करने से क्या होगा, हमारे सब काम सफल होंगे और प्रभावशाली होगा, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। आज्ञा का मानना ये सफलता की ओर लेके जाता है। आज्ञा को मानना हमारे जीवन में प्रभावशाली बनता है, हमारे जीवन का हर एक भाग वो प्रभावशाली बनते हुए दिखाई देता है। और ये परमेश्वर का वचन है जो आकाश में स्थिर किया हुआ वचन है, ये कभी टलेगा नहीं, इसका कभी अंत नहीं होगा। ये परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन है जो जीवन देता है। इसलिए आज परमेश्वर का वचन आपके और मेरे जीवन में क्या कहता है कि आप और मैं परमेश्वर की आज्ञा को मानकर अपने जीवन में उसको लेकर हम चले, अपने जीवन में उस आज्ञाओं को मानकर हम अपने जीवन को व्यतीत करें। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है उसके पीछे क्या कारण है, उसके पीछे ये कारण है कि आपको और मुझे सफलता प्राप्त होगी, आपको और आप और मैं अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभावशाली ठहरेंगे। यहाँ पर खुदा का वचन इस बारे में यहाँ पर लिखता हुआ आपको मुझे दिखाई देता है। इसलिए आपके और मेरे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होना चाहिए, परमेश्वर के वचनों की आज्ञाओं में बने रहना, ये परमेश्वर का वचन कहता है। अगर स्वर्ग में भी परमेश्वर के राज्य में भी अगर प्रवेश करना है, स्वर्ग के राज्य में भी अगर आपको और मुझे जाना है, तो इसी बात को लेकर परमेश्वर ने यहाँ वचन दिया है। मत्ती कुछ शुभवर्तमान 7:21 इस प्रकार कहता है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्ग पिता की इच्छा पर चलता है। यहाँ पे भी परमेश्वर कहता है कि हे प्रभु बोलने वाला स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, लेकिन वही करेगा जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। मतलब स्वर्गीय पिता ने जो कहा है, स्वर्गीय पिता ने जो बोला है, उसके अनुसार जब अपने जीवन में हम अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, उसके अनुसार जब आप और मैं चलेंगे, तो स्वर्गीय राज्य में आप और मैं प्रवेश कर पाएंगे। क्योंकि हे प्रभु बोलने वाला कोई परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने वाला नहीं है। प्रवेश करने वाला सिर्फ वही व्यक्ति होगा जो परमेश्वर के आज्ञाओं को मानकर अपने जीवन में वो आगे चलते हुए आपको मुझे दिखाई देता है। और ये आज्ञा पालना जो है, ये मनुष्य का कर्तव्य होना है, ये मनुष्य का एक कर्तव्य है ये आज्ञा पालन करने का। क्योंकि प्रेरित इसका 5:29 इसी प्रकार कहता है, तब पत्रस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्यों की आज्ञाओं से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। आज्ञा पालन करना जो है, ये हमारा, मेरा और आपका कर्तव्य होना चाहिए परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के वचनों के लिए। आपको और मुझे कर्तव्य निभाना है, और किस प्रकार निभा पाएंगे, जब आप और मैं परमेश्वर के वचनों को लेकर उसकी आज्ञाओं को मानकर जब आप और मैं चलेंगे। इसलिए कोई भी जो आज्ञा है ना, वो परमेश्वर की हमें टालना नहीं है। इसलिए सबसे पहले आज्ञाओं को मानने से पहले आज्ञा मालूम होना चाहिए, परमेश्वर की आज्ञा में चलने से पहले परमेश्वर की आज्ञाओं को मालूम करना ये बहुत जरूरी है। और ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि आप और मैं परमेश्वर की आज्ञाओं को मालूम कर ले। जिस प्रकार आज हम देख रहे हैं कि पूरा संसार जो है अलग एक परिस्थिति से गुजर रहा है, और जो असंसार जो है एक बड़ी विपत्ति की संकट की इससे वो गुजर रहा है। लेकिन जब हम देखते हैं जो वायरस जो है, उसके प्रति भी कुछ आज्ञाओं को मानना है। अगर आज्ञाओं को मानेंगे तब इस वायरस से बच पाएंगे, अगर आज्ञाओं को नहीं मानेंगे तो वायरस की चपेट में आ जाएंगे। इसलिए आपको और मुझे अगर परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे तो संसार की चपेट में नहीं आ पाएंगे, शैतान की चपेट में नहीं आ पाएंगे, हम हरा हुआ जीवन नहीं जी पाएंगे। इसलिए सबसे पहले
आपका और मेरा कर्तव्य क्या होना चाहिए? आपका और मेरा कर्तव्य ये होना चाहिए कि परमेश्वर के आज्ञाओं को मानने से पहले परमेश्वर की आज्ञाओं को मालूम करना चाहिए। और ये कहां पर मालूम होगी परमेश्वर की आज्ञाएं? तो हमारे हाथ में परमेश्वर ने एक सुंदर सा बाइबल दिया है, जो संसार की सबसे कीमती चीज है, वो है परमेश्वर के वचन। और वो वचन कहाँ पर है? हमारे हाथों में है। इसलिए वो सिर्फ हाथों में ही नहीं रहना है, उसको पढ़ना है, उसको निकालना है और पढ़कर मालूम करने की परमेश्वर की आज्ञा मनुष्य के जीवन के बारे में क्या बताती है, मेरे जीवन के बारे में क्या बताती है। जब उस बात को आप और मैं जान लेंगे तो परमेश्वर का वचन जो है उसको लेकर आप और मैं चल पाएंगे, उसकी आज्ञाओं में आप और मैं चल पाएंगे। जब आज्ञाओं में चल पाएंगे तो आपको और मेरा जीवन जो है वो सफलता का जीवन होगा, आपको और मेरा जीवन जो है एक प्रभावशाली जीवन ठहर पाएगा। इसलिए महाक्लेश के दिन में भी उस समय ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को जाना और परमेश्वर की आज्ञाओं को जानकर उन्होंने अपने जीवन में उसको माना और ये दिखाई दिया मसीह विरोधी को, ये दिखाई दिया मसीह विरोधी को, ये दिखाई दिया उस शत्रु शैतान को, दिखाई दिया उस पशु को, दिखाई दिया बहुत सारे लोगों ने। हम उसके उसके जर वचन को हम पढ़ेंगे 14 अध्याय के अंदर, वहां लिखा है कुछ लोगों ने छाप लिया, उस पशु की छाप लिया। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन को अलग बनाए रखा, जिन्होंने अपने जीवन को इस संसार से अलग रखा, पशु की छाप नहीं ली, मसीह विरोधी के वचनों पर वो नहीं चले, मसीह विरोधी को वो पूरी तरह से रुखावट बन गए। और हम देखते हैं मसीह विरोधी को ये बात उन्हें पता चला उनके जीवन को देखकर, क्योंकि वो लोगों ने उनके किसी भी मूर्ति को उन्होंने दंडवत नहीं किया, किसी भी प्रकार की उन्होंने छाप नहीं लगवाई। ये बात से पता चलता है कि उन्होंने अपने जीवन को सिर्फ परमेश्वर की आज्ञाओं में उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं में उन्होंने अपने जीवन को रखा, और रखा ही नहीं, वो उन्होंने अपने जीवन को व्यतीत किया। और ये बात किसको पता चल रहा है? मसीह विरोधी को पता चल रहा है। और हम देख रहे हैं यहाँ पर उनका धीरज इसी में है, यहाँ लिखा है धीरज इसी में है, वो आज्ञाओं को मानते और यीशु पर विश्वास रखते हैं। लेकिन उस समय एक बड़ा मुसीबत से उनको गुजरते हुए हम यहाँ पर दिखाई पड़ता है। इसलिए आपके और मेरे जीवन में भी जो आज्ञा मानने वाले हैं, आज्ञा मानने वालों के विषय में परमेश्वर ने कुछ प्रतिज्ञाएं दी हैं, परमेश्वर ने कुछ प्रतिज्ञाएं उनके बारे में लिखा है, उनके बारे में जो आज्ञा मानने वालों के लिए जो प्रतिज्ञा है यहाँ पर लिखा है। निर्गमन इसका 19 अध्याय अगर 5 वचन में पढ़ते हैं तो वहां पे परमेश्वर कहता है कि जो आज्ञा को मानते हैं उनकी उसकी विधियों पर चलते हैं, तो पहली बात परमेश्वर कहता है कि वो मेरे निज धन ठहरेंगे, वो मेरे निज धन होंगे, मेरा वो धन होंगे। और धन जो है परमेश्वर कहता है ये धन मेरा है, वो धन को चलाएगा, इस धन को वो आगे लेकर जाएगा। और परमेश्वर कहता है कि आज्ञा मानने वालों के लिए जो प्रतिज्ञा प्रभु ने दी है वो है, परमेश्वर कहता है वो मेरे निज धन ठहरेंगे। और दूसरी बात, वो याजकों का राज्य परमेश्वर की दृष्टि में ठहरेंगे, याजकों का राज्य परमेश्वर की दृष्टि में ठहरेंगे। और तीसरी बात, पवित्र जाति ठहरेंगे परमेश्वर की दृष्टि में। यहाँ पे परमेश्वर कहता है आज्ञा मानने वालों के लिए ये प्रतिज्ञा प्रभु करता है, और वो प्रतिज्ञा क्या है? वो मेरे निज धन होंगे, वो मेरे मेरे मेरा जो राज्य है वो याजकों का एक राज्य होगा, और वो पवित्र जाति ठहरेंगे, ऐसा परमेश्वर यहाँ कहता है। इसलिए आज्ञा को मानने वाले जो है ये प्रतिज्ञा प्रभु ने उनके साथ में की है। और इतना ही नहीं, व्यवस्था वितरण 4:30 कहता है, व्यवस्था वितरण 4:30 जो आज्ञा मानने वाले हैं उनके लिए प्रभु क्या प्रतिज्ञा करता है, इस वचन में और एक बात हमें देखने मिलती है। अंत के दिनों में, ध्यान से सुनना, अंत के दिनों में जब तुम संकट में पड़ो और ये सब विपत्तियां तुम पर आ पड़े, तब तुम अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो और उसकी मानना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा दयालु ईश्वर है, वह तुमको ना तो छोड़ेगा और ना नष्ट करेगा, और जो वाचा उसने तेरे पितरों से शपथ खाकर बांधी है उसको नहीं भूलेगा। ये प्रतिज्ञा है परमेश्वर की, ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा उन लोगों के लिए है जो लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को जानकर उसको मानते हैं, उसके लिए यहाँ पर प्रतिज्ञा है। क्या है? जब तुम संकट में पड़ो, जब ये सब विपत्तियां तुम पर आ पड़े। देखिए, आज पूरा संसार जो है विपत्तियों में पड़ा हुआ है, संकटों में पड़ा हुआ है, वो उसे मालूम नहीं कि आगे क्या होने वाला है, पूरी तरह से घबराया हुआ है। लेकिन परमेश्वर ने आज्ञा मानने वालों के लिए प्रतिज्ञा यहाँ पर कर दी है। वो कहता है मैं तुमको ना छोड़ूंगा, वो कहता है मैं तुमको ना नष्ट करूंगा। बहुत सारे लोग नष्ट हुए जा रहे हैं, इस वायरस की चपेट में आ रहे हैं,
लोगों के जीवन को खत्म होते हुए हम देख रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने उन लोगों के लिए वादा किया है, उन लोगों के लिए उसने ठहराया है कि वो ना तो तुमको छोड़ेगा, कब नहीं छोड़ेगा, विपत्ति में नहीं छोड़ेगा, संकट में नहीं छोड़ेगा, और वो कहता है वो तुमको नष्ट नहीं करेगा, और वो कहता है वो तुमको नहीं भूलेगा। ये किसके लिए ये प्रतिज्ञा प्रभु ने की है? उन लोगों के लिए की है जो वचन, जो उसकी आज्ञाओं को मानकर अपने जीवन में चलते हैं। अब देखिए, जो महाक्लेश के दिन में जो लोग जो हैं, वहां पे भी विपत्ति है, वहां पे भी बड़ा संकट है, उनको अपनी जान का खतरा है, कब उनकी जान चली जाएगी, ऐसे माहौल में, ऐसे वातावरण में अपने जीवन को उन्होंने रखा है, कब उनके जीवन का अंत होगा ये उनको नहीं मालूम है, लेकिन उन लोगों ने वहां पर भी परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। उनके जीवन में बड़ा कष्ट है, उनके जीवन में बड़ा संकट है, उनके जीवन में बड़ा सताव है, वहां पे उन्होंने अपने जीवन को अलग रखा हुआ है, उन्होंने किसी भी प्रकार की छाप अपने जीवन में नहीं लगाई हुई है, और वहां पे भी हम देखते हैं बड़ा संकट उनके जीवन पर पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी उस समय भी ये अपने जीवन को परमेश्वर में बनाए रखे हुए। क्यों मालूम है? क्योंकि उनको मालूम है उनके साथ में ये वादा है, उनके साथ में ये प्रतिज्ञा है परमेश्वर की, कि जो परमेश्वर के वचनों को मानता है उसको जानकर, और परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है कि मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ेगा, संकट में और विपत्तियों में नहीं छोड़ेगा, और खुदा बोलता है मैं तुम्हें नष्ट नहीं होने दूंगा, और खुदा बोलता है वहां पर मैं तुमको नहीं भूलूंगा। ये प्रतिज्ञा खुदा बाप ने वहां पर की है, और ये प्रतिज्ञा उन्हें भी मालूम है जो महाक्लेश के दिनों से गुजरते हुए जा रहे हैं। उनको मालूम है कि हम नष्ट नहीं होंगे। नष्ट होने का मतलब क्या मालूम है? उनका शरीर नष्ट हो सकता है, उनका प्राण जा सकता है, लेकिन आत्मा नहीं जा सकता, क्योंकि परमेश्वर ने कहा शरीर को नष्ट जो नष्ट करने वालों से डरो मत, जो आत्मा का नाश करने वाला है उससे डरो। और आत्मा का नाश कौन कौन करने वाला है? परमेश्वर। और परमेश्वर कभी आत्मा का नाश नहीं करता। परमेश्वर चाहते हैं कि हर एक आत्मा उसके राज्य में आ जाए, हर एक आत्मा जो है उसके राज्य में प्रवेश करे, यह परमेश्वर की इच्छा है। और वो प्रवेश कब करेगी? जब स्वर्गीय पिता की इच्छा पर आप और मैं जब चलेंगे, उसकी आज्ञाओं को मानकर, तब परमेश्वर के राज्य में आप और मैं प्रवेश कर पाएंगे। ये परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है उन लोगों के साथ में जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। इतना नहीं, व्यवस्था वितरण 5 अध्याय इसका 29 वचन में भी परमेश्वर का वचन कहता है, जो भला होता है कि उनका मन सदैव ऐसे ही बना रहे कि वे मेरा भय मानते हुए मेरी सब आज्ञाओं पर चलते रहे, जिससे उनकी और उनके वंश की सदैव भलाई होती रहे। अगर आपको और मेरे जीवन के अंदर मेरी आने वाली पीढ़ी को अगर आशीषित करना है, मेरे आने वाली पीढ़ी को अगर मुझे विजय में, आशीर्वाद में चलाना है, तो उसका कारण आप और मैं ठहरेंगे, आप और मैं ठहरेंगे। क्यों मालूम है? जब आप और मैं अपने जीवन के अंदर परमेश्वर के भय को मानते हुए, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हुए जब चलेंगे, तो परमेश्वर ने यहाँ पे वादा किया है कि मैं तेरे वंश की सदैव भलाई करता रहूंगा, मैं तेरे वंश को, जो नवीन जनरेशन है, जो आने वाला जनरेशन है, वो आशीषित होंगी। आप देखिए, परमेश्वर ने यहाँ पर आने वाली पीढ़ी के लिए भी आशीष का कारण आपको मुझे ठहराया है। अगर आपको मुझे अगली पीढ़ी को आशीष देने वाला बनना है, तो अब भी आपको और मुझे परमेश्वर की आज्ञाओं को जानते हुए, उसकी आज्ञाओं को मानते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये सिर्फ मेरे लिए सीमित नहीं है, ये आज्ञाएं मेरे लिए ही सीमित नहीं है, आज्ञाएं मेरे आने वाली पीढ़ी के लिए भी ये आशीष का कारण ठहरेगी। जो मैं मेरे जीवन में करूंगा, जो मैं जब मेरे जीवन में परमेश्वर के लिए जीऊंगा, जब परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हुए जब मैं आगे बढ़ूंगा, तो मेरी वंश जो है, मेरी जो पीढ़ी है, उसका परमेश्वर भलाई करेगा। यहां परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है, यहां परमेश्वर का वचन एकदम स्पष्ट रीति से आपको और मुझे दिखाई देता है। और अगर आपको और मुझे आज्ञा पालन वालों के लिए क्या प्रतिज्ञाएं हैं, अनुवाद इसका 28 अध्याय 1 से 14 वचन में भी आप पढ़ सकते हैं इस बात को, जिस बात को परमेश्वर ने यहाँ पे ठहराया है कि आज्ञा मानने वालों के प्रतिज्ञाएं कौन कौन से प्रभु ने किया। हमें बहुत सारे वचनों को प्रभु ने दिया है, आप इसका स्टडी कर सकते हैं। व्यवस्था वितरण 28 अध्याय 1 से 14 वचन में आप देख सकते हैं इस बात को। और इतना ही नहीं, परमेश्वर ने एक बात और कहा है जो बहुत महत्व की बात है। जखरिया की किताब इसका 3:7 में, जखरिया इसका 3:7 में बहुत महत्वपूर्ण बात प्रभु ने यहाँ पर कर दी है। सेनाओं का यहोवा तुझसे यूं कहता है, यदि तू मेरे मार्गों पर चले और जो कुछ मैंने तुझे सौंप दिया है उसकी रक्षा करे, तो तू मेरे भवन का न्यायी
और मेरे आंगनों का रक्षक होगा, और मैं तुझको इनके बीच में आने जाने दूंगा कि जो पास खड़े हैं। सुबोध भाषांतर को आप देखेंगे तो वहां पे सुबोध भाषांतर में पढ़ रहा था तो एक बात वहां पर स्पष्ट रीति से मुझे दिखाई दिया, सेनाधीश जाहिर कर तो सेनाधीश जाहिर करता है कि मैं जो मार्ग से अगर तू चलेगा तो जो मार्ग से तू जाएगा जो मेरे 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 जो मार्ग है उसमें अगर तू चलेगा तो तू मेरे मंदिर को पवित्र ठहराने वाला तू रहेगा। ये मंदिर को मैं तेरे तुझे सौंप दूंगा, काम करने के लिए मैं तुझे सौंप दूंगा, और मेरी समक्षता में मेरी उपस्थिति में देवदूतों के साथ में तेरा आना जाना बना रहेगा। यहाँ परमेश्वर ने बहुत बड़ी बात कह दी है, जो आज्ञाओं को मानते हैं जो और आज्ञाओं को मानने वालों के साथ प्रभु ने यह प्रतिज्ञा की है, मैं तुझे मेरे मंदिर का सेवक ठहराऊंगा, मैं मेरे मंदिर में सेवा करने वाला तुझे बनाऊंगा, और जब तू सेवा करेगा मेरे भवन की तो देवदूतों के साथ स्वर्गदूतों के साथ में तेरा आना जाना रहेगा, ऐसा परमेश्वर ने यहाँ लिखा है। कितनी बड़ी बात प्रभु ने कह दी है, कितनी बड़ी बात तो परमेश्वर ने यहाँ पे रख दिया है, जाहिर कर दिया परमेश्वर ने इस बात को। इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो, इस बात की प्रतिज्ञा उन लोगों के लिए की है प्रभु ने, उसकी सेवा उन लोगों को दी है परमेश्वर, उन लोगों को सौंप दिया परमेश्वर ने जो परमेश्वर की आज्ञाओं को पालते हुए मानते हुए आगे चलते हैं। इसलिए मेरी बहन मेरे भाई, महाक्लेशों के दिनों में अगर लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को पाल सकते हैं तो आपको और मुझे कितना पालना पड़ेगा। आप और मैं पीछे ना छूटे, आप और मैं पीछे ना रह जाएं, क्योंकि ये समय है, ये समय है उसके वचनों को गंभीरता से लेकर अपने जीवन में व्यतीत करने के लिए। इसलिए आपको और मुझे आज्ञाओं को पालने के लिए, आज्ञाओं को मानने के लिए बड़ी गंभीरता के साथ में अपने जीवन को व्यतीत करना पड़ेगा। और वो समय था महाक्लेश के दिनों का, बड़ा कठिन समय था, अपने जीवन की कीमत उन्हें अदा करनी थी, लेकिन फिर भी उन लोगों ने अपने जीवन की कीमत को अदा करने के लिए दे दिया। और वहां देखते हैं परमेश्वर की आज्ञा को वो मानते हैं, ये मसीह विरोधी को स्पष्ट रीति से दिखाई देता है, और मसीह विरोधी उनका बड़ा सताव करता है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद कि ऐसे समय में अभी तक आप और मैं नहीं आए हैं, और प्रभु का धन्यवाद कि ऐसे समय प्रभु हमें लेकर नहीं आया है। इसलिए आप और मैं उसके आज्ञाओं को गंभीरता से ले, उसके वचनों को गंभीरता से ले। और परमेश्वर का वचन कहता है याकूब पहला अध्याय और 25 वचन में, पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर वो भूलता नहीं पर वैसे ही काम करता है। वो क्यों आशीष पाएगा अपने जीवन के अंदर? बहुत लोग कहते हैं प्रभु जी मुझे आशीष दे दीजिए, हम प्रार्थना भी करते हैं, उपास करते हैं, प्रार्थना करवाते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझे आशीष दो, प्रभु मुझे आशीष दो। प्रभु ऐसे आशीष नहीं देगा। परमेश्वर की आशीष देने का एक शर्त है, और वो शर्त ये है कि आप और मैं जो व्यवस्था पर ध्यान करेंगे, व्यवस्था की सिद्धता पर ध्यान करेंगे और अपने जीवन में उसको अपना कर चलेंगे, वैसे ही काम करेंगे जैसा व्यवस्था में लिखा है, प्रभु ने लिखा है, प्रभु की आज्ञाओं में लिखा है, तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे आशीष दूंगा। आशीष ऐसे नहीं आती, आशीष सिर्फ प्रार्थना करने से नहीं आती, आशीष सिर्फ उपास करने से नहीं आती, आशीष आती है परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर चलने के द्वारा आशीष मिलती है। इसलिए आपको और मुझे आज्ञा को मानकर, उसको समझकर, उसको गंभीरता से अपने जीवन में उसको लेकर चलना है। पहला यूहन्ना 3:22 वचन, और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, जो उसे भाता है वही करते हैं। क्यों परमेश्वर हमको देता है, क्यों परमेश्वर हमको आशीष करता है, क्यों परमेश्वर हमको सफलता देता है, क्यों प्रभु हमको प्रभावशाली ठहराता है? क्योंकि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। आपको वो कहानी याद होगी जब पतरस पूरी रात भर मेहनत किया, उसने पूरी रात भर मछली पकड़ने के लिए उसने पूरी रात वहां बिता दी, लेकिन एक मछली उसके जाल में नहीं आई। और सुबह जब सुबह आता है और बाहर अपने जालों को साफ करता है, और यीशु मसीह उसको कहते हैं कि चलो मेरे साथ में और मैं भी आपके साथ में चलता हूँ, और चलो मछली पकड़ने के लिए आप जाला डालो। तब पतरस माँ कहते हैं कि प्रभु जी सारी रात मैंने मेहनत की, सारी रात बड़ी कठिनाई के साथ मैंने बिताई, पर एक मछली मेरे जाले में नहीं आई। लेकिन वो पतरस कहता है प्रभु अगर तू कहता है ना इसलिए मैं जाल को डालूंगा, मैं चलता हूँ। उसने क्या किया? परमेश्वर की आज्ञा को माना। उसने ये नहीं किया कि प्रभु जी आज रात को चलते हैं,
आज रात को हम, क्योंकि मछली जो है वो रात को ज्यादा आती है, वो परमेश्वर को उसने सिखाया नहीं, यीशु मसीह को उनको सिखाया नहीं, तो उल्टा यीशु मसीह को वो कह रहा है प्रभु जी चलो आप कहते हैं ना तो मैं चलता हूं। पूरी रात भर कष्ट किया हुआ है, पूरी रात भर वो थका हुआ है, आंखों में नींद नहीं है, पूरी बुरी तरह से वो थक चुका है, हार चुका है, फिर भी वो यीशु मसीह की आज्ञाओं को वो पालता है, मानता है और कहता है प्रभु जी चलो आप कहते हैं ना इसलिए मैं चलता हूं। उसने कोई भी बहाना नहीं बनाया, उसने यीशु मसीह को निमंत्रण नहीं दिया कि प्रभु जी आज रात को हम चलेंगे, आप रात को आ जाना, हम साथ में बैठकर, उसने ऐसे नहीं किया। उसने तत्क्षणी एकदम तत्काल एकदम वो उठा और उसने परमेश्वर की आज्ञाओं को पकड़ा, नाव में बैठा, यीशु मसीह नाव में बैठे, शिष्य नाव में बैठे और वो चल पड़े। यीशु मसीह ने कहा कि अपने जाल को डालो और जब गहराई में जाल को डालो और हम देखते हैं गहराई में नाव को लेके चलो और यहाँ पर जाल को डालो। जब उसने पतरस ने जब यीशु मसीह के कहे अनुसार किया, उसकी आज्ञा अनुसार किया, तब एक बात को हम वहां देखते हैं, वो उसके जाल जो है वो आशीष से भर गया, उसके जालों में बहुत सारी मछली आ गई, बहुत सारी मछली को उसने पकड़ा और सिर्फ पकड़ा ही नहीं, उसने और नावों को बुलाया और सब और मछलियां जो उसके उसके नाव में थी उसने वहां पर उसको दे दिया। दोस्तों जब आप और मैं परमेश्वर की आज्ञाओं को पालते हैं, उस पर चलते हैं, यहाँ परमेश्वर ने जो याकूब के पिता की पत्री में और पहला योहान की पत्री में जो कहा है वो आशीष देगा और इतना आशीष देगा, सिर्फ हम ही आशीषित नहीं होंगे तो मेरे पड़ोसी मेरे लोग वो आशीषित होंगे। किसके द्वारा? मेरे द्वारा आशीषित होंगे। क्यों? क्योंकि जब आप और मैं परमेश्वर की आज्ञाओं को पालते हैं इसलिए आप और मैं आशीष का कारण ठहरेंगे। और हमें एक कहानी मालूम होगी, यीशु मसीह ने एक भी चमत्कार नहीं किए, यीशु मसीह को काना की कहानी मालूम होगी, जब शादी में यीशु मसीह को बुलाया गया एक भी चमत्कार यीशु मसीह ने वहां नहीं किया, लेकिन हम देखते हैं कि वहां पे जो दाखरस है वो खत्म हो चुका है और वो सब यीशु मसीह के पास में जाते हैं और यीशु उसकी मम्मी कहती है, उसकी माँ कहती है कि जो यीशु कहे उसको ही करना, और सब लोग जो है वो यीशु मसीह के पास में जाते हैं और यीशु मसीह कहते हैं कि मटकों को पानी से भर दो, मटकों को पानी से, इतना कहा। अगर आप और मैं वहां होते तो कहते अरे क्या पानी से भरना है, दाखरस खत्म हो गया है, और यीशु मसीह कह रहे हैं पानी से भर दे, लेकिन उन्होंने एक बात भी वहां पे कुछ नहीं किए, उन्होंने जो यीशु ने कहा वही बात को किया, यीशु ने बोला उस बात को लेकर वो चले, और हम देखते हैं कि उन्होंने मटकों को जो है पानी पूरा लबालब जो है मटके भर दिए पानी से। और एक बात को हम देखते हैं जो कभी सोचा नहीं था, जो जिसके बारे में कभी देखा नहीं था, ऐसी बात वहां पर हुई, ऐसा चमत्कार वहां पर हुआ। क्या हुआ? पानी पूरी तरह से बदल गया, पानी द्राक्षस में बदल गया, पानी परिवर्तित हो गया, पानी पूरी तरह से बदल चुका है, ऐसा वहां मालूम होता है। और ये परमेश्वर वहां पे चमत्कार कर दिया। क्यों किया? कैसे किया? जब परमेश्वर की बात को उन्होंने सुना, परमेश्वर के शब्दों को जब उन्हें सुना और परमेश्वर के शब्दों के अनुसार जब उन्होंने किया तो पानी जो है वो बदल चुका है। मेरी बहन मेरे भाई, आपका और मेरा जीवन में भी ऐसे बहुत सारा मेरा जो जीवन है निराशाओं में होगा, मेरा जीवन एकदम पानी जैसा होगा, कुछ मजा नहीं रह गया जीवन के अंदर, एकदम पानी जो है वो स्वादहीन है, मतलब उसमें किसी प्रकार का स्वाद नहीं है, किसी प्रकार का रस नहीं है। लेकिन हम देखते हैं जब यीशु मसीह ने पानी भरने के लिए कहा तो पानी जो है वो बदल गया, पानी एक जो पानी था वो पानी नहीं रहा, वो एकदम अलग रीति से वो हो गया, उसके अंदर स्वाद आ गया। आपके और मेरे जीवन में भी अगर आपको और मुझे अच्छा जीवन में मजा आना चाहिए, जीवन में आनंद होना चाहिए, जीवन में शांति होना चाहिए, ये किससे आएगी? जब आप और मैं परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे। उन्होंने यीशु मसीह के शब्दों को माना और हम देखते हैं पानी का द्राक्षस वहां पर हो गया। ऐसे ही आज भी यीशु मसीह कर सकता है और वो तैयार है करने के लिए, हमारे जीवन में रंग भरने के लिए तैयार है, हमारे जीवन में एक आनंद भरने के लिए तैयार है, हमारे जीवन में शांति भरने के लिए तैयार है, हमारे जीवन में खुशी भरने के लिए तैयार है। लेकिन कब? जब आप और मैं परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे, जो भी उसने कहा है उसकी आज्ञाओं को जब आप मानेंगे तो परमेश्वर आपके और मेरे लिए जीवन को परिवर्तन कर देगा, हमारे चीजों को परिवर्तित वो कर देगा। ऐसा 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 जो सामर्थ है परमेश्वर की आज्ञाओं पालने के द्वारा सामर्थ है दोस्तों। सिर्फ सुनने से सामर्थ नहीं आता, विचार करने से सामर्थ नहीं आता, सोचने से सामर्थ नहीं आता। जब आप और मैं यीशु मसीह ने कहे हुए आज्ञा के अनुसार जब चलेंगे तब सामर्थ आएगा आपके और मेरे जीवन में।
तब आशीष को पाएंगे आपके और मेरे जीवन में, तब बहुतायत को पाएंगे आपके और मेरे जीवन में, एक एक अलग रंग पाएंगे आपके और मेरे जीवन में। हमारा जीवन बदल के रख देगा परमेश्वर जब आप और मैं अपने जीवन को उस तरह व्यतीत करेंगे। और यीशु खुद भी आज्ञाधारक था, यीशु मसीह इस दुनिया में जब थे और वो आज्ञाधारक बनकर अपने पिता की आज्ञाओं में बने रहे। यूहन के शुभवर्तमान 14:31 में कहता है, परंतु ये इसलिए होता है क्योंकि संसार जाने कि मैं पिता से प्रेम रखता हूँ और जैसे पिता ने मुझे आज्ञा दी है वैसे ही मैं करता हूँ। अगर आप और मैं खुदा से प्रेम करते हैं, आप और मैं खुदा को चाहते हैं, तो उसका एक प्रतीक यह है कि जब आज्ञाओं को जब मानते हैं तो इससे पता चलता है कि आप और मैं यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानने वाले हैं। यूहन 15:10 यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसे कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना और उससे प्रेम में बना रहता हूँ। इस आज्ञा में बने रहने का मतलब है प्रेम करना है, और प्रेम में बने रहने का मतलब है आज्ञाओं को मानना है। और यीशु मसीह वही कह रहे हैं कि मैंने आज्ञाओं को माना क्योंकि मैं प्रेम में बना रहता हूँ, और मैंने पिता की आज्ञाओं को माना क्योंकि मैं उससे प्रेम रखता हूँ। अगर आपको मुझे भी प्रेम रखना है परमेश्वर, मुंह से बोलने से नहीं होता प्रेम रखना, मुंह से बोलने से नहीं होता, जबान को बोलने से नहीं होता, अपने शब्दों को बोलने से नहीं होता, हमें उसके लिए कृति करनी पड़ती है। और यीशु मसीह ने कैसे कृति की, आज्ञा को कैसे पाला परमेश्वर ने, इब्रानियों की पुस्तक इसका 5:8 इब्रानियों की किताब इसका 5:8 कैसे आज्ञाओं को यीशु मसीह ने पाला, पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठा कर आज्ञा माननी सीखी। आज्ञा मानना कैसे सीखा यीशु मसीह ने, दुख उठाकर। जब आप और मैं दुख उठाएंगे यीशु मसीह के लिए, देखो ये लोग दुख उठा रहे हैं महाक्लेश के दिनों में, ये लोग दुख उठा रहे हैं, दुख उठा उठा कर वो यीशु की आज्ञाओं को मार रहे हैं। दुख उठाने का मतलब क्या, मसीह विरोधी सामने खड़ा है, मसीह विरोधी घात करने के लिए तैयार है, नाश करने के लिए तैयार है, फिर भी वो यीशु मसीह की आज्ञाओं में खड़े होकर मसीह विरोधी को दिखा रहे हैं कि हम परमेश्वर से प्यार करते हैं। दुख उठाना ये आज्ञा पालना ये दुख उठाने के साथ में चलता है, दुख उठाना और आज्ञा पालना साथ में चलते हैं, आज्ञा पालना दुख उठाना एक साथ में यहाँ पर दिखाई पड़ता है। वचन 9, और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के लिए उद्धार का कारण हो गया, और जो उसे और उसे परमेश्वर की ओर से मलकीसेदेक की रीति पर महायाजक का पद मिला। महायाजक का पद उसे मिला, क्यों मिला उसे, क्योंकि आज्ञाओं को उसने पाला। आपको मालूम है जो भी आज्ञाओं को मानता है ना बॉस की, बॉस उसकी सिफारिश करता है, और बॉस उसको क्या करता है मालूम है, उसको बोलता है वो उसको उसको सब लोगों कमेटी को बोलता है कि ये बंदा अच्छा है, इसका प्रमोशन कर दो। आपको मालूम है क्यों आज्ञा को पालना है, क्योंकि जिसकी आज्ञा पालते हैं ना वो बड़ा खुश हो जाता है, वो बड़ा आनंद हो जाता है, और वो प्रमोशन के लिए ना, वो आगे बातों के लिए ना हमें ही वो लोगों को कहता है कि नहीं ये बंदा ठीक है, ये अच्छा लड़का है, ये अच्छा बंदा है, ये अच्छा मनुष्य है, ये बातों को मानता है। वो क्या करता है, उसके दिल में जगह बना लेते हैं आज्ञा पालने के द्वारा। और आज्ञा पालने के विषय में परमेश्वर ने बहुत सारे वचनों को दिया है। आज मैं आपसे यही कहना चाहूंगा दोस्तों कि परमेश्वर की आज्ञाओं में बने रहो, परमेश्वर की आज्ञा में आज्ञा को जानो, परमेश्वर की आज्ञाओं को जानकर अपने जीवन में वैसा व्यतीत करो, नहीं तो आप और मैं परमेश्वर के स्वर्गीय राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और लेकिन इनको मालूम था महाक्लेश के समय में ये स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने का एक ही तरीका है, और वो तरीके आज्ञा को पालन करने के द्वारा। पहला धीरज, धीरज के साथ में आज्ञा को पालना है। दूसरा आज्ञा पालन है। तीसरा जो अगले हफ्ते हम देखेंगे वो है यीशु पर विश्वास रखने के द्वारा। यीशु पर विश्वास रखने के द्वारा क्यों आप और मैं स्वर्गीय स्थान में प्रवेश करेंगे, ये अगले हफ्ते हम देखेंगे। लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ परमेश्वर की आज्ञाओं में बने रहिए। ये क्या करता है परमेश्वर, जब आप और मैं उसकी आज्ञाओं को पालते हैं तो देवी संगति को प्रकट करता है, परमेश्वर की सहभागिता को प्रकट करता है। यूहन 14:23 यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरे पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ निवास करेंगे, उसके साथ में रहेंगे। जब आप और मैं परमेश्वर की आज्ञाओं को पालते हैं तो ये देवी संगति को दिखाता है, परमेश्वर की सहभागिता को ये दिखाता है। और यही बात आपको और मुझे करना है इन दिनों में। आपको और मुझे सबसे ज्यादा किसकी जरूरत है, तो परमेश्वर की। आज पूरा जो देश है, पूरा संसार जो है, आज वो पूरा तरह से एकदम निराशा में डूब चुका है। इस समय लोगों की किसकी जरूरत है, इस समय आज लोगों को ना परमेश्वर की जरूरत है, आपको और मुझे उससे भी ज्यादा परमेश्वर की जरूरत है। इसलिए आप और मैं आज्ञाओं को माने, कब आज्ञाओं को मानना है, कल या परसों नहीं, तुरंत आज्ञाओं को पालना है।
जैसा यीशु मसीह का वचन आपको मुझे समझाना लगे तुरंत आपको मुझे आज्ञा को मानना है। जैसे जब पत्रस को योहन्ना को यीशु मसीह ने कहा चलो मेरे पीछे हो लो, उन्होंने अपने जालों को छोड़ा और यीशु मसीह के पीछे तुरंत उन्होंने आज्ञा को पाला। मत्ती 4:20 में लिखा है उन्होंने तुरंत जालों को छोड़ा और यीशु मसीह के पीछे चल दिए। और हम देखते हैं जो जक्कई जो जो वहाँ पे जो मत्ती है वो जकत नाका पे बैठा हुआ नाके के ऊपर बैठा हुआ यीशु मसीह जा रहे हैं, यीशु मसीह कह रहे हैं कि आ ये सब छोड़ और मेरे पीछे हो, उसने सब कुछ छोड़ा और यीशु मसीह के पीछे चल दिया। हम यहाँ देखते हैं कि यीशु मसीह की आज्ञा को तुरंत उन्होंने पाला, उन्होंने किसी भी बात की देर नहीं की। इसलिए आपको मुझे भी देर नहीं करना है, अगर देर हो गई तो शायद आप और मैं पीछे छूट जाए, आप और मेरे जीवन के अंदर हम वो ना पाए, वो ना मिल पाए जो हमें मिलना था। इसलिए आप और मुझे ये आज बात को ध्यान में रखना है। दोस्तों आज मैं यही आपसे विनती करता हूँ कि आप और मैं परमेश्वर की आज्ञा को पालें। नूह ने आज्ञा को पाला, बड़ा कठिन था नूह आज्ञा को पालना, जहाज को बनाना था मशीन, परमेश्वर ने बोला जहाज को बना, बड़ा कठिन था जहाज बनाना, लेकिन उसने आज्ञा को माना। अब्राहम ने आज्ञा को माना, हम देखते हैं कितने ये परमेश्वर के जो महान पुरुष हैं इन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को पाला। और एक बात बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने एक और चीज हमने अब्राहम के बारे में देखते हैं उत्पत्ति 22 दूसरा और तीसरा वचन, नूह ने आज्ञा को पाला उत्पत्ति 6:22 वचन के अंदर, बसलेल नाम का एक व्यक्ति है उसको परमेश्वर ने क्या कहा सुनिए बड़े ध्यान से, निर्गमन 36 और इसका 1 वचन, बसलेल और ओहिलीओब और सब बुद्धिमान जिनको यहोवा ने ऐसी बुद्धि और समझ दी हो कि वह यहोवा की सारी आज्ञाओं के अनुसार पवित्र पवित्र स्थान की सेवा के लिए सब प्रकार का काम करना जाने, ये सब ये काम करे। परमेश्वर ने बुद्धि दी है, परमेश्वर ने ज्ञान दिया इस बसलेल को, और परमेश्वर ने उनको बुद्धि समझ दी है। क्यों समझ दी है मालूम है, क्यों बुद्धि दी है, कि वो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन में पवित्र स्थान का काम करे। पवित्र स्थान का काम करने के लिए खुदा बाप उनको बुद्धि देता है, पवित्र स्थान का काम करने के लिए परमेश्वर उनको आज्ञा देता है। और जब बसलेल और अहिलोब ने जब वो काम किया तो परमेश्वर उनको आशीष दिया। आपके और मेरे जीवन में भी परमेश्वर की आज्ञा आती है कि परमेश्वर का काम करें, परमेश्वर की आज्ञा आती है कि हम परमेश्वर के लिए कुछ करें। अगर आप और मैं परमेश्वर के लिए कुछ करेंगे तब आपके और मेरे जीवन को परमेश्वर एक अलग जीवन को वो करके रख देगा। क्यों प्रभु ने हमें बुद्धि दी, क्यों प्रभु ने हमें ज्ञान दिया है, यहाँ पर स्पष्ट रीति ने लिखा है कि परमेश्वर के पवित्र स्थान की सेवा के लिए प्रभु ने सब प्रकार का ज्ञान उनको दे दिया आज्ञा को पालने के लिए। और प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर यही चाहता है कि आप और मैं भी परमेश्वर जैसा कहता है वैसा आप और मैं करें। तो आइए आप और मैं परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर अपने जीवन में आगे चले। और परमेश्वर की जो आज्ञा है ना, आज्ञा की चर्चा होती है। रोमियो के पत्र 16:19 में लिखा है तुम्हारे आज्ञा मानने की चर्चा सब लोगों में फैल गई है, इसलिए मैं तुम्हारे विषय में आनंद करता हूँ। जो हम आज्ञा मानते हैं ना, या रोमियो की पत्री में जो पौलुस लिखता है वो कहता है कि तुम्हारी चर्चा हो रही है। क्या चर्चा हो रही है? आप आज्ञा मानने वाले लोग, आप आज्ञा को तोड़ते नहीं है। बहुत सारे लोग हैं सुनते हैं लेकिन अपने मन की वो करते हैं, लेकिन हम उन वो लोगों में से नहीं है जो सिर्फ सुनते हैं और मन की करते हैं, वैसे लोगों में से नहीं है। हम वो लोग हैं जो सुनते हैं और वैसा ही करते हैं, उन लोगों में से आप और मैं। और आज्ञा पालन जो है वो सबसे बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इसलिए आप और मैं आज्ञा पालन करने वाले लोग बने। और परमेश्वर का वचन कहता है कि सब चीजों से अच्छा है आज्ञा पालन करना, आज्ञाओं को मानना। महासंकट के दिनों में महाक्लेश के दिनों में ऐसे लोग हैं जिनका अंत होने वाला है, जो सताव से गुजरेंगे, कष्टों से गुजरेंगे, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर की आज्ञाओं को जानते हुए उसको मानते हुए वो आगे बढ़ गया। मसीह विरोधियों का बड़ा विरोध है, मसीह विरोधी ने वहां पे नियम को लगाया, मसीह विरोधी ने वहां पे कुछ बातों को लाकर रखा, लेकिन उसको ना मानते हुए वो आगे बढ़ रहे। तो देखिए आपको मुझे कितना करना है। तो आइए आज्ञा मानने से पहले प्रभु की आज्ञा को तो जान लें, और आज्ञा जानने के लिए क्या है, हमारे पास भी सुंदर ऐसा परमेश्वर के वचन है, उसको पढ़ें, उसमें क्या लिखा है उसको गंभीरता से लें, परमेश्वर क्या कहता है हमारे जीवन के बारे में करने के लिए उसको पढ़ें और अपने जीवन में उसको अपनाएं। गॉड ब्लेस यू, प्रभु का आशीष दे।
और महाक्लेश के दिन जो हुए वो बड़े कठिन समय होगा, हम उसमें ना रहें, हम पीछे ना छूटें, इसलिए अपने जीवन की तैयारी करें। तो आइए प्रार्थना करें। खुदा बाप, हम चाहते हैं प्रभु जी कि आपने जो हमें सिखाया प्रभु जी, आज्ञा पालन कितना महत्व का है, वो हमारे जीवन में हम उसको करें, ऐसा होने दे। महाक्लेशों में हम देखते हैं, महाक्लेशों के दिनों में ऐसे बहुत सारे लोग थे प्रभु जिन्होंने अपने जीवन को आपके आज्ञाओं में बना के रखा। उन्हें मालूम था कि उनके जीवन का अंत किस प्रकार होगा, उन्हें मालूम था उनके जीवन का अंत जो है बड़े कष्टदायक होगा, वेदनादायक होगा, लेकिन फिर भी वो अपने जीवन में आज्ञाओं को मानने वाले रहे। प्रभु जी, उन्होंने किसी भी प्रकार की मसीह विरोधी की छाप नहीं लगाई, किसी प्रकार के पशु की जो छाप है उन्होंने अपने जीवन में नहीं ली, किसी भी मूर्ति को उन्होंने दंडवत नहीं किया प्रभु जी, वो खड़े रहे परमेश्वर की आज्ञाओं में। और हम जानते हैं प्रभु जी, जो आपकी आज्ञाओं को मानते हैं प्रभु जी, आपने वचन दिया है, उनको नष्ट ना होंगे, उनका नाश ना होगा। और प्रभु जी, हम ऐसे ऐसे संसार में जी रहे हैं प्रभु जी, अभी तक ऐसी हालत नहीं आई। हम प्रार्थना करते तेरे वचनों को जानने के लिए हमें हमारी समझ खोल दे प्रभु जी, गंभीरता से तेरी आज्ञाओं को पाने ऐसा होने दे, सोच समझ कर हमारे जीवन को हम आगे बढ़ाए ऐसा होने दे। और एक बड़ी आशीष का कारण हम बने प्रभु जी ऐसा होने पाए, क्योंकि आज्ञा मानने वालों के लिए तूने कितनी प्रतिज्ञाएं की प्रभु जी, आज हमने सुना है और हम चाहते हैं प्रभु जी हमारे जीवन में वो आ जाए। हर एक महिमा तुझे देते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष दे, आमीन।